हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स जानने वाले हैं जो कि रहते हैं मोस्टली नोन, यानी हमें सुने बहुत जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। बट आई मीन मोस्टली हर्ड होते हैं, तो मतलब सुने तो बहुत जाते हैं वर्ड्स, बट एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है वो किसी को पता नहीं होता, बट नॉट नोन, ठीक है। वर्ड्स मोस्टली हर्ड बट नॉट नोन, तो उसमें हम ऐसे वर्ड्स जानेंगे जो डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड हैं। 10 वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स प्रोफेशन। तो जब तक आप किसी से विशेषज्ञ डॉक्टरों के से परामर्श करने की बात करते हैं, तो आपको हर एक प्रमुख बीमारी के लिए प्रयुक्त तो होने वाले अलग अलग शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ये शब्द सुनने में बड़े अपरिचित किंतु बड़े प्रभावशाली लगते हैं। इन्हें मन में बैठाइए और दूसरे पर अपनी भाषा ज्ञान की धाक बिठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि देखो हर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट देखो डर्मेटोलॉजिस्ट, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है ये भी मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो देखो ये डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ हिंदी में लिखा है ना, तो आप इसको पढ़ोगे डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आपको पता चलेगा कैसे इसको बोला जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या मतलब है? चर्म रोगों का विशेषज्ञ, ठीक है। फिर गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट यानी जो फीमेल से रिलेटेड होते हैं ना, स्त्री रोगों का विशेषज्ञ, बेसिकली वो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। फिर इंटरनिस्ट, इंटरनिस्ट मतलब शरीर के आंतरिक अंगों की बीमारियों का विशेषज्ञ, अंदर आंतरिक अंगों की। फिर ऑबस्ट्रेटिशियन, ऑबस्टेट्रिशियन, देखो ऑबस्टेट्रिशियन ये क्या है? जचा विशेषज्ञ। फिर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, इसको क्या बोलेंगे? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब जो आई से रिलेटेड रोग होते हैं, आंखों के रोगों का डॉक्टर। ऑर्थोडेंटिस्ट, इसको क्या बोलोगे? देखो ऑर्थोडोंटिस्ट, देखो एक्चुअली यहाँ वो है बट इसको डेंटिस्ट बोला जाता है, डेंटिस्ट, ठीक है, ऑर्थोडेंटिस्ट। वैसे अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ऑर्थोडोंटिस्ट बोल रहे हैं, बट इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ऑर्थोडेंटिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्थोडेंटिस्ट का क्या मतलब है? दांतों, देखो ऑर्थोडेंटिस्ट, डेंटिस्ट, तो दांतों से रिलेटेड जो टीथ होते हैं उनका विशेषज्ञ डॉक्टर, जो टेढ़े दांतों को सीधा करता है बेसिकली, वो ऑर्थोडेंटिस्ट होते हैं। फिर पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट मतलब प्राकृतिक रोगों के कारणों को जानने वाला डॉक्टर। फिर पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन केवल शिशुओं और छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, तो वो पीडियाट्रिशियन होते हैं। फिर पॉडियाट्रिस्ट, पॉडियाट्रिस्ट मतलब पाँव की छोटी मोटी बीमारियों का डॉक्टर। फिर साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का क्या मतलब है? मानसिक रोगों का विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, जो मतलब साइकियाट्रिस्ट, एक साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो मानसिक रोग होते हैं ना उनके जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बोला जाता है। तो ये डॉक्टर से रिलेटेड, हमने डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड 10 शब्द जाने। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।